नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। करनाल में भगवान शिव का एक अद्भुत मंदिर है। भगवान शिव का ये मंदिर झारखंडी शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव का ये एक प्राचीन मंदिर है। बताया तो ये भी जाता है कि झारखंडी शिव मंदिर से महाभारत काल के राजा कर्ण का इतिहास जुड़ा है। आज जिसे कर्ण ताल पार्क के नाम से जाना जाता है, कभी यहाँ तालाब हुआ करता था। माना जाता है कि राजा कर्ण यहाँ स्नान करने के बाद झारखंडी शिव मंदिर व काली मंदिर में पूजा करते थे। पूजा करने के बाद कर्ण अपने बराबर सोना तोलकर गरीबों में दान करते थे। महाशिवरात्रि पर दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए शिव मंदिर में आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। झारखंडी शिव मंदिर में एक प्राचीन कुआं भी है, जिससे कभी ठंडा मीठा जल निकलता था। इस कुएं के जल से भक्त अपनी प्यास बुझाते थे, स्नान करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्नान करके फिर दान करते थे। तो ये मंदिर प्राचीन है शंकर भगवान का, झारखंडी के नाम से। और ये काली का मंदिर और मनसा देवी का मंदिर और सरस्वती का मंदिर, ये चारों तरफ ये प्राचीन मंदिर है। ये राजा कर्ण के टाइम के मंदिर है। तो राजा कर्ण आते थे यहाँ पूजा करने के लिए? यहाँ पे पूजा करते थे राजा कर्ण। राजा कर्ण के सोना दान भी करते थे? सोना दान करते थे, समामन कहते हैं, सोना दान करते थे। तो कोई कुआ भी है यहाँ? कुई है यहाँ पे, कुई है। इसमें पानी खींचते थे, कुआ भी बंद हो गया है ये 2-5-4 साल से। नहीं, हम खूब पानी खींचते थे इससे, नहाने वास्ते भी कितने जने आते थे यहाँ पे। तो शिवरात्रि पे कैसा और रहता है जी पानी? शिवरात्रि पे भी यहाँ से खूब आते हैं लोग यात्री, और कावड़ भी चढ़ती हैं, कावड़ ये आते हैं यहाँ पे जल चढ़ाने वास्ते। क्या नाम है जी अपना? ज्ञानवती जी। क्या है इतिहास? शहर जो था ढींगे घेड़े पे बसता था, यहाँ नहीं था, और यहाँ तो जंगल था। तो जंगल काटने लग रहे थे, जंगल काटते काटते ना किसी का कुहाड़ा लगा इनके सिर में, पिंडी में, आज भी निशान है इस पिंडी में। तो फिर उन्होंने कहा भाई इतनी जगह पे ना काटो इसे, ये जंगल छोड़ दो। तो उस वक्त फिर ये मंदिर बनाया गया बड़ा विशाल। तो मंदिर बना के जब वो चले गए लाला, तो जाकर गरंदे हो गए। उन्होंने कहा कोई कमी रह गई मंदिर में? तो उन्होंने ये कहा भाई ये नहीं, मैं पहन लो के रहने वाला नहीं, मैं तो जंगल के रहने वाला हूँ झोंपड़ी में, तो मेरे तो झोंपड़ी नवा होना चाहिए। फिर उन्होंने आके मंदिर गिराया गया, फिर वो बनाया। फिर ये जो डाट है जो आज लगी हुई है, ये हमारे पड़बाबा ने लगवाई, बाबा जमुना जी ने, जिनकी समाधि ये है। फिर वो राजा कर्ण मंदिर में स्नान करके आके काली के मंदिर में सोना दान होता था। तो यहाँ भी पूजा करने के लिए आते थे? पूजा करने के लिए आते थे, काली के मंदिर में जाकर सोना दान करते थे, वहाँ से सोना दे। तो काफी भगत आते हैं आप दर्शन करने के लिए? पुराने शिवरात्रि पर पूरा मेला लगता है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम पंडित सीताराम गिरी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।